साहस सरोकार। सीएम नीतीश कुमार निकली समाधान यात्रा पर, विजय कुमार सिन्हा का सीएम नीतीश पर करारा हमला। नर्सों ने किया विरोध प्रदर्शन, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ किया जमकर विरोध। बाईपास का काम तेज रफ्तार से प्रगति पर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। मिट्टी माफियाओं के हौसले बुलंद, पहाड़ों को काट कर बेच रहे मिट्टी, अधिकारी नहीं ले रहे मामले की सुध। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशीले पदार्थ के साथ 500 सौदागरों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर भागलपुर से है, जहां मायागंज अस्पताल में हेपेटाइटिस सी टीका की समुचित उपलब्धता नहीं होने के कारण अस्पताल की नर्सों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान अस्पताल के काम बाधित रहे। वहीं इस संबंध में नर्सों का कहना है कि अस्पताल में हेपेटाइटिस सी का टीका कई महीनों से नहीं है और हम लोगों ने कई बार अस्पताल प्रबंधक से इस बात की शिकायत भी की, पर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीतीश कुमार शर्मा जुड़ेंगे। नीतीश, देखा जाए अस्पतालों में प्रबंधक के खिलाफ जमकर विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि भागलपुर के मायागंज अस्पताल में हेपेटाइटिस सी की टीका की समुचित उपलब्धता नहीं होने के कारण अस्पताल के नर्सों ने जमकर प्रबंधक के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान अस्पताल के काम में भी बाधित हुई। इस संबंध में नर्सों का कहना यह भी था कि अस्पताल में हेपेटाइटिस सी की टीका की कमी कई महीनों से भी है। हम लोग प्रबंधक ने इस बात से साफ इनकार किया है और बता दें कि हेपेटाइटिस सी की जो टीका है वाकई 3 महीने से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या लगता है, ऐसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर क्या कुछ रिएक्शन आया है, इसके बाद क्या लगता है ऐसे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से भी हमने बातचीत की और उनका कहना है कि कुछ ही दिनों में हम इस मसले पर बातचीत करेंगे और इस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। खबर पटना से है, जहां बिहार के सीएम समाधान यात्रा पर निकले। बता दें वह अपने गृह क्षेत्र नालंदा के कई क्षेत्रों में समाधान यात्रा के दौरान भ्रमण करेंगे, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर करारा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी अपने जिले को ही भ्रष्टाचार से मुक्त कराकर दिखाएंगे तो हम आपको मानेंगे। आपने 17 साल में कोई काम नहीं किया है, जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार के साथ अपराध बढ़ गई है, इसको लेकर हम लोग आपको तो छोड़ेंगे नहीं। अकेले जाइए, रैंडम जाके किसी गांव में नल जल का सच्चाई को देख लीजिए और उसकी जांच कराइए, हकीकत पता चलेगा। पूरे बिहार में 80% नल का जल फेल है और भ्रष्टाचार चरम पर है। दिखावे के नाम पर जैसे तैसे खुदाई कर छोड़ दिया जाता है। इन सब का हिसाब आपको देना ही होगा। कब तक हिसाब देने से बचेंगे? यह बिहार की स्वाभिमानी जनता है, यह हिसाब लेने से अच्छी तरह से जानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नालंदा आपका गृह जिला है, अपने जिला को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की आप घोषणा कीजिए।
भागलपुर के शहर के बीचों बीच वैकल्पिक बाईपास का काम तेज रफ्तार से प्रगति पर है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बड़ी खंजरपुर रोड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सड़क निर्माण निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि वैकल्पिक बाईपास के निर्माण के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगा और घंटाघर आदमपुर से सीधे विक्रमशिला पुल तक निकल पाएंगे। बता दें निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ साथ नगर आयुक्त योगेश सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार व स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इसको हम लोग देख रहे हैं और ये आप लोग जान रहे हैं कि अल्टरनेट बाईपास का पार्ट है जिससे ट्रैफिक की भी जो है समस्या काफी हद तक सुधरेगी और इससे जो है सीधा लोग आदमपुर घंटाघर चौक से विक्रमशिला पुल तक जो है वो निकल पाएंगे और ये बिल्कुल DQC ढलाई वाली जो है वो रोड बन रही है और रोड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जितना बिजली का पोल है सबको हम लोग रोड के किनारे शिफ्ट करा दें, बेतरतीब कोई भी बिजली का पोल न रहे। इसके अलावा पूरे सोलर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। नीतीश, देखा जाए तो स्मार्ट सिटी की सड़क को लेकर जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया है। जी बिल्कुल, बता दें कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने खुद अपने निरीक्षण किया है, बड़ी खंजरपुर में भी निरीक्षण किया है। हालांकि खबर में कुछ चूक हो गई है, हवाई अड्डा का भी उन्होंने निरीक्षण किया है जिसमें की कुछ कमी पाई गई। अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है वैकल्पिक बाईपास को बनाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई भी की है। नीतीश, बताया जा रहा है काम जो है प्रगति पर चल रहा है, कितना प्रगति पर चल रहा है, वाकई में ये सच है ये? जी बिल्कुल, कार्य प्रगति पर है। सुब्रत कुमार सेन जो भागलपुर के DM भी है, जो कि उन्होंने भी अपने से खुद आकर के निरीक्षण किया है, अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया है। बता दें कि ये जो कार्य है बरारी से लेकर के खंजरपुर तक एक वैकल्पिक बाईपास बनाया जाएगा जिसमें कि यातायात में काफी सुविधा प्राप्त होगी आम लोगों को। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। जिले भर में नशे के खिलाफ पुलिसिया अभियान के बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने 34,000 प्रतिबंधित सिरप और 1.5 लाख के नशीले टेबलेट की बरामदगी के साथ 500 दागरों को 24 घंटे के अंदर धर दबोचा है। वहां इस मामले में सिटी DSP अजय कुमार के नेतृत्व में दर्जनों थानेदार ने यह कार्रवाई की है। संगठित गिरोह जो कि नशे का कारोबार करता था और जो दवाइयां प्रतिबंधित हैं H1 शेड्यूल में आती हैं, उनका बड़े पैमाने पर भंडारण और उसका वितरण भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता था और ऐसे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से अनवरत चल रहा था और इसमें हमारी 4 टीमें DSP सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में 4 टीमें काम कर रही। खबर मोतिहारी से है जहां पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए अविलंब आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया है और उक्त आदेश पर गठित टीम के द्वारा कुशलतापूर्वक करीब 4:30 बजे शाम से सिंधिया सागर ओवरब्रिज के पास से 2 युवकों के साथ मादक पदार्थ के तस्करों को 1 मोटरसाइकिल व 6 किलोग्राम 52 ग्राम के चरस के साथ गिरफ्तार भी किया है। कुछ व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर मोतिहारी आ रहे हैं, इस संबंध में एक त्वरित कार्रवाई करते हुए SDPO सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था जिसमें SHO बंजरिया सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार, SDO सुवाली सब इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार और थाना अध्यक्ष कीपरा कोठी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह इस टीम में शामिल थे और इस टीम ने कुशलतापूर्वक सिंधिया ओवरब्रिज के पास से बंजरिया थाना अंतर्गत ये जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 6 किलो 52 ग्राम चरस बरामद हुआ है। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियापुर में बच्चों के बीच हुए विवाद को शांत कराने गए युवक के घर पर चढ़कर बदमाशों ने गैंग बनाकर तोड़फोड़ कर दिया है,
जिसके बाद पुलिस के आने की सूचना मिलते ही मौके से बदमाश फरार हो गए। उसी घटना के आक्रोश में अपराधियों ने दूसरे दिन फिर से बच्चे के साथ मारपीट किया, फिर उस पर फायरिंग कर दिया। इस दौरान गोली अभिषेक के सर को छूकर निकल गई, जिसे आनंद फानन में रहमानिया मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। बता दें, पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सुबह में मॉर्निंग में जब हम खड़े थे अपने घर के बाहर, तो दो लड़के हथियार लेके आए। इसका नाम था किशन सा, पिता का नाम मनीषा। तो फिर वो क्या किया कि वहाँ से मुझे वो दौड़ा दिया। तो फिर हम भागते भागते अपने फूफा जी के घर गए, फिर वहाँ से उन्हें बोले, फिर वो थाना होना गए। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद पता चला कि 20-25 लड़के आए हैं। तो फिर हम लोग बाहर निकल के उन सब के पीछे गए, तब तक उन्होंने किशन सा जो था वो मुझ पर गोली चला दी। कुछ बच्चों के साथ विवाद हुआ था, सभी मोहल्ले के ही हैं, उसी में इन लोगों के बीच जो झगड़ा हुआ था, आज कुछ लोग आए उसी विवाद को लेकर के मारपीट करने के लिए। उसी क्रम में गोली चलने की बात बताई गई है। अभिषेक कुमार नाम का एक लड़का है, उसी को जख्म हुआ है गोली से। खबर नवादा से है, जहां गांव से सब्जी लाकर बेचने के दौरान अज्ञात वाहन ने किसानों को रौंद दिया और मौके से फरार हो गए, जिससे मौके से दोनों किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने रोड मार्ग जाम कर हंगामा भी किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सब्जी लाकर टोकरी में अभी रखे ही थे रोड पर नवादा लाने के लिए, अचानक गाड़ी तेज रफ्तार आया, सबको रौंदते, तो लगभग दो लोगों का तो घटनास्थल पर मृत्यु हो गया। कि हम लोग लेकर आए हैं और अभी इतना समय होने जा रहा है, कोई भी प्रशासन अभी तक इसका सुधी लेने के लिए नहीं आए। कहाँ पर की घटना? मुफस्सिल, पुरानी मुफस्सिल थाना के निकट। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है उचित न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले। इस दोनों परिवार में कमाऊ व्यक्ति यही था, कोई इसका भी पालन पोषण बच्चे को। खबर भागलपुर से है, जहां विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि भारत में दो से ज्यादा बच्चे होने के बाद लोगों के कानूनी अधिकार वोट डालने के अधिकार समाप्त हों और उससे आगे उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। और साथ ही कहा कि ऐसे वर्ग हैं जो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भारत विभाजन की ओर बढ़ेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या का समाधान होगा। उस विषय पर पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कानून अविलंब बनना चाहिए और वोट के लालच में मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बल्कि जागरूकता फैलाई जाए तो तर्क संगत नहीं है। विश्व की जनसंख्या पर काम करने वाली कुछ एजेंसीज हैं, उन्होंने सूचना दी है कल कि भारत विश्व में नंबर एक हो चुका है, कल चीन को पीछे छोड़ते हुए। किस विषय में? जनसंख्या के विषय में हम दुनिया में नंबर एक देश हो गए। और कौन सा देश? जिसने 1952 में, यानी विश्व में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया 1952 में, लेकिन आज विश्व में नंबर एक हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं असफल रहा। आज विश्व का कुल भूभाग हमारे पास, भारत के पास 2.4% भूमि है, लेकिन 18% आबादी का भार हम लोग ढो रहे हैं भारत की भूमि पर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in
शॉपिंग सुकून के साथ। देश की संस्कृति को बयां करते हैं हस्तशिल्प उत्पाद। आइए इसी हस्तशिल्प कारीगरी से घर लाए हम खुशियों की सौगात। आ गया है लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 24 जनवरी से 7 फरवरी, जहां होंगे 28 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद और प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश की संस्कृति से रंगे अपना जीवन, आइए लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव, काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार आशियाना। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर भागलपुर से है, जहां जिले में फोर लेन का काम चलने के दौरान मिट्टी माफियाओं ने अपना बल दिखाकर सरकारी जमीनों की मिट्टी काट रहे हैं, लेकिन मिट्टी माफिया का इतना मन बढ़ गया है कि वह पहाड़ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यह ताजा मामला अतिचक थाना अंतर्गत रामजानपुर गांव का है, जहां माफियाओं ने पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया है, जबकि यह पहाड़ बरसों से धरोहर माना जाता है, लेकिन मिट्टी माफिया खुलेआम फोर लाइन में मिट्टी बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं जब इस मामले के गांव के लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो गांव के लोगों ने बताया कि इस पहाड़ को रात में काटा जाता है और रात में ही हैबा ट्रक से मिट्टी की धुलाई की जाती है, और तो और काफी संख्या में पहाड़ को काट दिया है, लेकिन अधिकारी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जैसे भी रात में चला जाए ट्रक से, ट्रैक्टर से हैबा। कौन गांव से? रमजानपुर। खबर नालंदा से है, जहां मुख्यालय के सुहासराय थाना पुलिस और लहेरी थाना पुलिस ने दो कांडों का उद्भेदन किया है, और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रहुई रोड में 241 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले को लेकर सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली हुई कि रूही रोड के ब्राउन शुगर की पुड़िया कुछ व्यक्तियों के द्वारा बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए छापेमारी कर युवकों को गिरफ्तार किया है। चार युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से कुल 106.64 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है, जो पुड़िया की शक्ल में है। गहराई से इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया है। खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया गांव में देर शाम बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस दौरान एक युवक को गोली लग गई। बता दें, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं इस मामले में एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। रंगदारी टैक्स मांगता है, ढलैया हो रहा था ना, तो बोलता है कि हमको रंगदारी चाहिए। तो कितने को गोली लगा है अभी? तीन आदमी को गोली लगा हुआ। हाँ, तो एक मतलब सब ठीक है? नहीं, एक डेट स्पॉट कर गया, एक डेट कर गया। हाँ, ये छोटा। अच्छा, मतलब कितना गोली चला होगा? गोली तो कम से कम 10-20 फायर चला है। कितने लोग थे उन लोग गोली चलाने वाला? गोली चलाने वाला तीन लोग। झगड़ा हो रहा था मेरा खेत में, वो कटवा रहा था मट्टी। अच्छा। इसलिए मना करने गया, तो शाम को पी खा के फिर गोली चलाने लगा घर पे आके। अच्छा। फिर वह गोली लग गया मुस्कान का, मेरा भाई का। एक प्रेम कुमार नाम के, वो भी मेरा चचेरा भाई, उसका लग गया। एक मेरे चाचा है मुकेश कुमार, मुकेश सिंह, उसका लग गया। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गोलीबारी की घटना घटित हुई है। फौरन में स्थानीय थाना के पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष गांव में पहुंचे हैं। जो इंजर्ड है उनको इलाज के लिए भेजा गया, जिसमें इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, दो घायल हैं जिनका इलाज अभी विम्स पावापुरी में चल रहा है, लोग आउट ऑफ डेंजर है, जैसा कि चिकित्सक के द्वारा बताया गया है। फौरन पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में नालंदा पहुंचे और इस दौरान रहुई प्रखंड के उफरौल गांव गए, जहां महादलित बस्ती का भ्रमण किया और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली और साथ ही साथ विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांव में सरकारी स्कूल में ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और ग्रामीणों के द्वारा किए गए शिकायत पत्रों को भी लिया। इस समाधान यात्रा के दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार विजय चौधरी और संजय झा के साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। खबर नवादा से है, जहां जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में दम घुटने से एक ही परिवार के 6 लोग बेहोश हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि परिवार के सुधा राजवंशी की मौत हो गई, जिसका शव जलाकर सभी लोग घर वापस लौटे थे और सभी लोग एक ही कमरे में रात को सोए। सुबह काफी लेट हो जाने के बाद लोग कमरे से बाहर निकले, आसपास के गांव के लोग घर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद था। तभी लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर देखा कि सभी लोग बेहोश हैं, तभी आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक महिला की मौत हो गई। खबर नवादा से है, जहां जिला अंतर्गत अकबरपुर थाना क्षेत्र के कुलना गांव से अकबरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा से गांजा का पौधा बरामद किया है। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर गांजा के पौधे को जब्त कर थाने ले गई। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने SSI मोहम्मद अब्दुल्ला ने दलबल के साथ कुलना गांव में श्रीकांत सिंह के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजे का पौधा बरामद किया है और मौके से एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। बक्सर में बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर शराब तस्करी रोकने के बजाय अवैध वसूली की जा रही है। बता दें, जिले में नए कप्तान आने के बाद भी पुलिस कर्मियों की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया। वहीं मामले में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसे मौके पर 3-4 से अधिक उत्पाद विभाग के पुलिस वाले मौजूद थे और शराब तस्करों को पकड़ने के बजाय बालू लदे ट्रक वालों से वसूली कर रहे हैं। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर
खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत